वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको जल्द से जल्द अपडेट मिल जाएगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, छत के ऊपर टाइल्स लगा हुआ है और टाइल्स जो लगा हुआ है इसके बीच में आप देख रहे हैं इस पर जो है वाटरप्रूफिंग केमिकल का लेप लगाया गया है, लेकिन फिर भी ये सक्सेस नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि टाइल्स लगाने से पहले वाटरप्रूफिंग का वर्क होता है। अगर वाटरप्रूफिंग का वर्क करा के आप टाइल्स लगाते हैं तो सीलन और लीकेज आपके पूरे घर में नहीं जाएगा। जो वाटरप्रूफिंग होता है ये 7 कोटिंग होता है, जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। 7 कोटिंग वाटरप्रूफिंग हो गया और इसकी टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग इसलिए हो रही है कि पानी भर के टेस्टिंग होता है ताकि ये पता चले कि इसका लीकेज और सीलन अंदर जा रहा है कि नहीं। तो वाटरप्रूफिंग होने के बाद सीलन लीकेज अंदर जाने की कोई संभावना है ही नहीं, जैसे कि आपको मैं सामने ये प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो टाइल्स लगाने से पहले वाटरप्रूफिंग का काम आप जरूर कराएं। अगर वाटरप्रूफिंग का काम न करा कर टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स पे जितना भी पैसा आप लगाएंगे वो एक तरफ से पूरा बेकार ही जाएगा, वो पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। ये आम जो मिस्त्री होते हैं इनको नहीं मालूम होता है। उनको पहले जो होता था लोग टाइल्स लगा देते थे, आज जिनका टाइल्स लगा हुआ है आज वो बहुत परेशान है कि टाइल्स के पहले अगर वाटरप्रूफिंग कर दिया होता तो शायद वो परेशान नहीं होते। हमारे पास बहुत लोगों की कॉल आती है कि सर टाइल्स लगा हुआ है फिर भी सीलन लीकेज अंदर जा रहा है। तो मैं उनको बताता हूँ कि आपने वाटरप्रूफिंग का काम नहीं किया हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो टाइल्स लगाने से पहले वाटरप्रूफिंग का काम जरूर कराएं, जैसे कि आपको मैं दिखाया था वीडियो में कि टेस्टिंग हो रही थी। तो टेस्टिंग के बाद अगर टाइल्स लगाना होता है तो वाटरप्रूफिंग जो 7 कोटिंग होती है उसके बाद एक केमिकल का एक और कोटिंग होती है, वो स्पेशली टाइल्स लगाने के लिए होती है। जैसे कि आपको मैं सामने वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है ये टाइल्स लगाने के लिए हो रहा है। इसके ऊपर आप टाइल्स लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, सभी पूरे दिल्ली इंसान में।